एक रंग को लेकर कोई फिल्म को इस तरह से सलूक किया जाना कितना सही है? मैं तो इस पे पहले भी बोल चुकी हूँ ट्विटर पे बहुत साफ कि काफ़ी फारिक लग रहे हैं वो लोग जो फिल्मी गाने बैठ के दिन भर फिल्मी गाने देख देख के अभिनेत्रियों के कपड़े देख रहे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि मिरी और आपको एक बॉलीवुड की फिल्म के सेटअप में लेकर आया हूं और आज आपको स्वरा भास्कर से मिलवाऊंगा। ये देखिए फिल्म के पूरी टीम यहां पर मौजूद है, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, सभी यहीं पर हैं। सर, फिल्म का नाम तो बहुत डिफरेंट है, मिसेज फलानी। किस तरह का रहेगा इस फिल्म में, क्या दर्शकों को मिलेगा नया इसमें? दर्शकों को सबसे पहले मिलेंगी नई कहानियाँ, जो उन्होंने मतलब वो कहानियाँ जो हमारे समाज में इर्द गिर्द हैं लेकिन उसमें हम गौर नहीं करते हैं बेसिकली, और उसको हमने पर्दे पे देखा नहीं। नाम अलग है और कहानियाँ भी अलग हैं, और अलग नहीं करेंगे तो पब्लिक देखेगी नहीं। तो हमारी कोशिश है कि अच्छी कहानियाँ कहें, नौ अलग अलग कहानियाँ। अच्छी कहानी के लिए खूबसूरत छत्तीसगढ़ आए हैं, तो कहाँ कहाँ लोकेशन है, किस तरह का शूट होगा, कितने दिनों तक होगा? हम पूरे एक महीने छत्तीसगढ़ में शूट कर रहे हैं, हमारी पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में है। और मतलब मैं तो हैरान हूँ, जनरली होता क्या है कि जब नौ अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग लोकेशंस चाहिए होता है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह दूसरे जगह, एक स्टेट दूसरे स्टेट, लेकिन हमें सब कुछ मतलब सारी स्टोरीज की सारी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी सब छत्तीसगढ़ में मिल गई। सो बड़ी अच्छी बात है, मैं थैंक यू गौरव जी को भी, और इनका बड़ा सपोर्ट है हमें, मतलब हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनकी टीम और ये हमेशा रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए, और इतना सपोर्ट तो मैंने बहुत जगह शूट किया है, हमें कहीं नहीं मिला। सर, अक्सर बॉलीवुड की परंपरा हमने देखा है कि हीरो ही होता है फिल्म का लीड एक्टर, हीरो से ही चलती है फिल्में, लेकिन आपकी फिल्म में हीरोइन लीड में। कहाँ परंपरा को निभा रहे हैं, हम तो वो कहानी कह रहे हैं जो आपके घर की है। इसमें कोई वैसा किरदार नहीं है कि जो लार्जर देन लाइफ है। ये फिल्म देखने के बाद मेरा दावा है कि नौ में से नौ कहानियों का यहाँ खड़ा हर आदमी को बोलेगा एक किरदार उसी के घर का है, या हर औरत बोलेगी कि ये वाला मैं हूँ, ये वाली मैं हूँ। ये मतलब ये घर घर की कहानी है, हर औरत की कहानी है। और आप देखने के बाद आपको भी लगेगा कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ इस वाली कहानी में है। मैम, छत्तीसगढ़ में फिल्म शूट करने के लिए हमने पिछले बार आपसे कहा था और आप भी गई और फिल्म शूटिंग भी हो रहा है, एक साथ नौ नौ किरदार कैसे करेंगे? बस यही डर है मुझे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सबसे बड़ा ऑनर भी है मेरे लिए। आई थिंक कोई भी कलाकार जो होता है, कोई भी अभिनेता जो होता है, उसके लिए सबसे ख़ास वो रोल होते हैं जो मुश्किल हों, जिन्हें पढ़ के उन्हें डर लगे कि क्या मैं ये कर पाऊँगी। तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे करियर में मुझे ऐसा मौका दो तीन बार मिला है जहाँ मुझे डर लगा हो स्क्रिप्ट पढ़ के। ये मौका कई सालों बाद आया है और वो भी एक नहीं नौ रोल हैं, तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, उत्साहित भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ। तो बिल्कुल आपसे बात करने के बाद सीधे वापस स्क्रिप्ट पे जा रही हूँ मैं अपने प्रेपरेशन करने। मैम, एक दो और ज़रूरी सवाल आपसे पूछने थे। मैम, अभी जोशी मठ को लेकर देश भर में दिल दहला हुआ है सबका, आपके अंदर क्या फीलिंग है जोशी मठ के लिए? मेरे अंदर फिलहाल सिर्फ एक फीलिंग है और वो है अपने शूट को लेकर। मुझे लगता है कि हम लोग जब शूट पे होते हैं मैं बाकी टाइम मेरे बहुत सारे राय होते हैं हर चीज़ पे, लेकिन जब मैं शूट पे होती हूँ तो मैं सिर्फ अपना काम देखती हूँ। मैंने कई दिनों से कोई खबर नहीं पढ़ी है, कोई खबर नहीं देखी है, हम लोग सिर्फ अपने मिसेस फलानी के शूट पे लगे हुए हैं। अगले एक महीने पे आप मुझे सिर्फ फिल्मों की बात करिएगा और वही सिर्फ अपनी फिल्म की। एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। पठान फिल्म को लेकर बहुत बवाल मच गया है देश में, बॉलीवुड की स्थिति को आप जानती है भली भांति, आप एक्ट्रेस है तो आपको बोलना भी चाहिए मुझे जितना लगता है। एक रंग को लेकर कोई फिल्म को इस तरह से सलूक किया जाना कितना सही है? मैं तो इस पे पहले भी बोल चुकी हूँ ट्विटर पे बहुत साफ कि काफ़ी फारिक लग रहे हैं वो लोग जो फिल्मी गाने बैठ के दिन भर फिल्मी गाने देख देख के अभिनेत्रियों के कपड़े देख रहे हैं। मुझे लगता है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो चुने हुए हैं, जो ऐसे पद पे हैं जहाँ उन्हें जनता का काम करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने वोटर्स के प्रति आपको थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल, अगर आप इसका जवाब देना खुद चाहें तो स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा में गई थी राहुल गांधी के साथ, आप चली,
क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा लग रहा है कि भारत जुड़ रहा है कि नहीं? आई होप भारत जुड़ रहा है, सच में अच्छा होगा देश के लिए अगर जुड़े तो। राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे तो आप उनके समर्थन में रहेंगे? लोग वोट देंगे तो जरूर पीएम बनेंगे। तो ये थी हमारे साथ स्वरा भास्कर, और स्वरा भास्कर का साफ कहना है कि वो अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में अपने फिल्मों को शूटिंग करने के लिए आई है और एक साथ पहली बार नौ किरदार निभाने वाली है, इसीलिए उनको डर भी लग रहा है और इस पूरे किरदार को निभाने के लिए वो पूरी मेहनत करेंगी और रायपुर में लगातार एक महीने तक ये शूट चलेगा। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिर्जा।